मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी और महिला विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं का कभी सम्मान नहीं किया। भाजपा सरकार आदिवासी महापुरुषों के स्मारक बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने केवल एक ही परिवार के लोगों के स्मारक बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी लाडली बहना योजना को बंद करना चाहती है, क्योंकि महिलाओं को पैसे और सम्मान मिलते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होती है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर है। अब एक बार फिर कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को आदिवासी विरोधी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी लोगों को अपमानित किया है। यह कांग्रेस है जिसने आदिवासी नेताओं का कभी सम्मान नहीं किया। हम आदिवासी महापुरुषों के स्मारक बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने केवल एक ही परिवार के लोगों के स्मारक बनाए हैं। हम टंटिया मामा, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती, बिरसा भगवान के स्मारक बना रहे हैं। हम आदिवासी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए जमा करा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे रोक दिया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंटिया मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए। ये कांग्रेस है जिसने मेरी गरीब आदिवासी बहने जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है, कहते हुए दर्द और तकलीफ होती है, दर्द होता है तकलीफ होती है, इन्ने बेगा भारिया सहरिया तीनों के खाते में 1,000 डालते थे हम 2017 से। बेगा भारिया और सहरिया गरीब बहनों के पैसे बंद करने का पाप अगर किया आहार अनुदान के तो कांग्रेस ने किया। कौन ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया? संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। मुख्यमंत्री चौहान ने डोटू कहा, कमलनाथ और प्रियंका गांधी सुन लें कि हम आदिवासियों का सम्मान करेंगे और उन्हें सुविधाएं देंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहना योजना को भी बंद करने का इरादा कर लिया है। यह एक चालू योजना है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को इस योजना से फायदा हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं को आगाह करना चाहता हूं कि वह कांग्रेस के इरादों को देख ले। महिलाओं को पैसे मिलते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ होती है। अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डाले कहां डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डालना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीने ही छीना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।